लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Bloody dumb-headed creatures, I tell you. दादा, ये ड्यूटी नहीं है, कुछ और है। सब लोग मुझे कहते थे पर मैं मानती नहीं थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि आप क्या लग रहा है, मैं उसे जलस हूँ? डिपार्टमेंट में उसकी जगह चाहिए मुझे, मैं उसे दुश्मनी निकाल रहा हूँ, क्या लग रहा है तुमको? This is a bloody case of planned murder. Why can't you see this? अंधे हो गए आप लोग? आप चाहते हो बेबी आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं? How can you say that? क्या सबूत है आपके पास कि वो मर्डरर है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो बेकसूर है? दादा, I'm a lawyer. मैंने ये केस को स्टडी किया है. You are making a case out of nothing. और इतने सालों साथ रहने के बावजूद आप अजय को समझ नहीं पाए जो मैं थोड़े दिन में समझ गई हूँ. समझ गई हो? एक्सलेंट. आदमियों की समझ के बारे में बहुत ज्यादा बात मत करो तो अच्छा है. अविनाश के बारे में तुम्हारी समझ को क्या हो गया? तब घास चढ़ने चली गई तुम्हारी समझ? दादा प्लीज. मैं कहता रहा राधिका, ये ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है. डोंट मैरी हिम, डोंट मैरी हिम. नहीं दादा, आई नो हिम, ही इज नाइस गाय, ही अंडरस्टैंड्स मी, ही अंडरस्टैंड्स यू. छोड़ के चला गया, सारी जिंदगी खराब कर दी तुम्हारी, फिर भी आदमियों की समझ के बारे में बात करती हो तुम? क्या फेंका था? डॉल्फिन्स. ये पीस था? या तुमने उस दिन कहा था कि ये पीस तुमने उसको फेंक के मारा था और उसने डक किया. अगर फेंक के मारा था तो एक तो उसको टूट जाना चाहिए था, दूसरा इस समय ये पीस यहां पर क्यों है? पास ऐसे दो थे तो ये मर्डर स्पॉट पर हमको क्यों नहीं मिला? मुझे तो डाइनिंग टेबल के नीचे मिले. लगता है तुमने ठीक तरह से देखा नहीं. बहुत संभाल के रखा है इसको. दीज डॉल्फिन्स सेव माई लाइफ. एनी मोर क्वेश्चन? नो मोर क्वेश्चंस. अजय को इस खेल में हराना आसान नहीं था. मुझे सॉलिड एविडेंस की जरूरत थी. आई हैड टू थिंक लाइक अजय. अजय ने अंशिता और संजय को यकीन दिला दिया था कि ये प्लान फूल प्रूफ है. प्लान फूल प्रूफ था, पर उनके लिए नहीं, अजय के लिए. किसी ने तुम्हें आते देखा तो नहीं? ये बड़े साइज के जूते और कपड़े उन्होंने किसी ना किसी मार्केट से जरूर खरीदे होंगे. फाइंड इट. गाड़ी कहाँ से हायर की होगी उन्होंने? कहीं गाड़ी हायर करने खुद अजय तो नहीं है? Smart, very smart. अजय ने हर जगह संजय और अंशिता को भेजा था ताकि इन्वेस्टिगेट करते समय हम अजय तक ना पहुंच सके. गन कहाँ से मिली इसका पता लगाना होगा. बोलो सर, वो उसका पता लग गया. किसका पता लग गया? गन डीलर का सर. उसको मेरे पास ले गया. ओके सर.
डिसूजा, चलने की तैयारी करो, हमें अरेस्ट के लिए जाना है। कहाँ जाना है? विनय अंकल आप? यस, हाउ यू बेटा? आई एम फाइन। आप कितने दिनों बाद आए? एक मिनट, पापा पापा विनय अंकल आए। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। कम यश, अजय आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, वारंट है हमारे पास। यू कांट डू दैट। मैं जानती थी आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल। तुमने प्रैक्टिस फिर से कब शुरू कर दी? अभी से। दादा आपको जो सही लग रहा है वो आप करें, और इनके लॉयर होने के नाते मुझे जो सही लग रहा है वो मैं करूंगी। I'll see you in court. See you in court. Okay. शुरू करने से पहले प्रोसिक्यूशन और डिफेंस इस बात को ध्यान में रखें कि एक स्पीडी ट्रायल है, इसीलिए इस अदालत के समय का ख्याल रखा जाए। प्रोसिक्यूशन प्लीज प्रोसीड। डॉक्टर सिद्दीकी, सीधे पॉइंट पर आता हूं। आपके इतने अच्छे इलाज और इनकी इतनी स्ट्रांग विल पावर के बावजूद ये चल नहीं सकते? ये जरूरी नहीं कि सिर्फ विल पावर की वजह से पेशेंट चल पाए, और यह भी जरूरी नहीं कि आदमी चले और डॉक्टर को बताए। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुझे पता चलता। देखिए योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने वो गवाह पेश करूंगा जो ये साबित करेगा कि अजय श्रीधर चल सकते हैं, और वो है सीशेल बिल्डिंग का वॉचमैन माधव गजानन। जुलाई को फ्लैट नंबर 203 में जो आदमी घुसा था वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। जरा ध्यान से देखो। नहीं सर, वो नहीं है यहां। क्या बात करते हो तुम, क्या वो आदमी ये नहीं है? वो ये नहीं है। ध्यान से देखो, ये था वो। हाँ, ये तो वही आदमी है जो उस दिन आया था बिल्डिंग में। थैंक यू गजन। साहब आप 203 में गए थे ना सर? 302। आप तो 203 में गए थे सर। जोरा जरा गौर से देखिए, वो अजय श्रीधर जो भेष बदलने में माहिर है और जो भेष बदलकर किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, इसलिए इसे
इसके डिपार्टमेंट में मास्टर ऑफ डिस्गाइज भी कहते हैं। आप भी देखिए प्लीज, आपको तसल्ली होगी। योर ऑनर, अजय श्रीधर ने अब तक जितने भी भेस बदले और जितने भेस बदल सकता है उन सब के हमने स्केचेस बनवाए। गजानन के मुताबिक 24 जुलाई की रात को सीशेल बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 203 में अजय श्रीधर को खुद अपने पांव पर चलते हुए अंदर घुसते हुए देखा। ये फ्लैट अजय के कजन संजय का है जिसका उसी रात खून हो गया था। मेरा मकसद सिर्फ ये साबित करने का है कि अजय श्रीधर खुद अपने पांव पर चलकर वहां गया था। That's all, Your Honor. गजानन जी, 24 जुलाई को आपने क्या इसी आदमी को देखा था अपनी बिल्डिंग के अंदर जाते हुए? मैडम, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, एक बार जिसका चेहरा देख लूँ कभी नहीं भूलता। ये वही आदमी है जो 24 तारीख को हाथ में छड़ी लिए हुए बिल्डिंग में आया था। आप एक बार पूछो या हजार बार, मैं तो वही जवाब दूंगा ना। जिसे ये बता रहे कि अजय है, वो असल में संजय वर्मा है। अब इनकी बात माने तो संजय वर्मा 24 जुलाई को अपना ही हुलिया बदल के अपनी ही बिल्डिंग में क्यों गया? आप ही देख लीजिए ना एक बार निगम साहब, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या मजाक है? ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेके गवाह को बरगलाने की कोशिश है। नो योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन टेक्नोलॉजी का उल्टा सीधा इस्तेमाल करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं गवाह पेश करना चाहूंगी जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मिस्टर विनय पटनायक। मिस्टर विनय पटनायक, क्या ये सच है कि कमिश्नर साहब ने आपसे केस वापस लेके सीनियर इंस्पेक्टर डिसूजा को दिया था? जी हाँ, ये सच है। क्या ये भी सच है कि कमिश्नर के मना करने के बाद भी आपने इस केस पे काम बंद नहीं किया? कमिश्नर साहब के मना करने के बाद मेरे पास काम करने के लिए कुछ बचता नहीं है। क्यों, आप मीडिया को फोन कर सकते थे, कमिश्नर पर प्रेशर डाल सकते थे? नहीं नहीं। योर ऑनर, ये रहे इनके फोन बिल्स की डिटेल्स। जिस दिन ये केस डिसूजा को दिया गया था उसी रात उन्होंने 3TV को फोन किया और एक इंक्वायरी कमेटी बनवाई और फिर खुद ये कमेटी के इंचार्ज बन गए। आप मिस्टर अजय श्रीधर को कब से जानते हैं? बहुत सालों से। और आपकी दुश्मनी कितनी पुरानी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, वो हमेशा से मेरे दोस्त थे, आज भी मेरे दोस्त हैं। मेरे लिए इतने अच्छे दोस्त थे कि आपसे इनकी तरक्की देखी नहीं गई। आप दोनों ने हमेशा एक सी मेहनत की, पर क्रेडिट मिला हर बार आपके दोस्त अजय श्रीधर को। आप दोनों ने मुजरिमों को एक साथ पकड़ा, पर मीडिया हाइप मिली अजय श्रीधर को। अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आप दोनों ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, पर मेडल के लिए रिकमेंडेशन हुआ अजय श्रीधर का। हाँ तो ही मस्ट बी डिजर्विंग, और मैं कभी मीडिया सेवी नहीं रहा हूँ, ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। मगर ये नहीं जानती थी कि आप अजय श्रीधर से इतना जलते हैं। आप हमेशा मौका ढूंढते थे अजय श्रीधर को नीचा दिखाने के लिए, और जैसे ही आपको ऐसा मौका मिला आपने मौके का फायदा उठा के अजय को फ्रेम किया। तुमको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुमको लगता है राधिका मैं ऐसा कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, लेट मी फिनिश। नहीं, तुमको अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुमको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुमको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऑब्जेक्शन, ये गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मुझे अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहना है। ये कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कैन आई हैव ऑर्डर इन माय कोर्ट प्लीज? आई विल नॉट टॉलरेट मिसबिहेवियर। यस, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, पूरा मीडिया, पूरा डिपार्टमेंट ये जानता है कि अजय और विनय के बीच डिफरेंसेस थे। आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे बीच में ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं थे। सच, ही हैज बीन अ हॉट हेडेड एंड इंपल्सिव ऑफिसर, फुलिशली डेयरिंग आई मस्ट से, जिस बात को मैंने कभी अप्रूव नहीं किया है और इसी वजह से इनको गोली लगी है। इसको अगर आप डिफरेंस कहना चाहती है आप डिफरेंस कह लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा आपने, हॉट हेडेड और इंपल्सिव? योर ऑनर, अगर अजय सचमुच हॉट हेडेड और इम्पल्सिव है तो ये कोल्ड ब्लडेड और प्रीमेडिटेटेड मर्डर कभी कर ही नहीं सकते। फिर तो वो गुस्से में आके उसी वक्त तुम दोनों को मार देते, करेक्ट?
Thank you, Mr. Patnaik. That's all, Your Honor. लगाओ खाना लगाओ तुम ही खाओ, हमें तो भूख नहीं है। आप खा लीजिए दादा, सुबह भी आपने लंच नहीं किया था। लंच तुम खाओ, तुम्हें खाने की बहुत ज़रूरत है। तुम्हें काम करना है, कोर्ट में जाना है, बहस करनी है, केस लड़ने हैं, गलत को सही साबित करने की दलीलें तैयार करनी है, भाई को जलील करना है, उसको गलत साबित करना है। तुम खाओ दादा। ये केस मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, सिर्फ अजय को सही साबित करने के लिए लड़ रही हूँ। अरे मुझे लगता है बहुत स्ट्रेस्ड हो, अब खाना खा के जल्दी सो जाइए। हाँ मैं सोऊंगा, आराम से सोऊंगा, बहुत दिनों तक सोऊंगा। जिस दिन मैं गलत को गलत साबित कर दूंगा उस दिन सोऊंगा। फिर तो दादा आपको बहुत दिन जागना पड़ेगा।